अब आज का एपिसोड मेरे को तो बहुत ज्यादा रुला रहा है, हो सकता है आपको भी रुला दे। एक आंख से मेरे निकल रहे खुशी के आंसू और एक आंख से मेरे निकल रहे दुख के आंसू, गम के आंसू। अब उसकी क्या वजह है वो आपको बता देता हूँ। काफी बड़ा अपडेट आ गया है BGMI के ऊपर, अनबैन होना 100% ऑलमोस्ट पॉसिबल हो गया है, इसीलिए खुशी के आंसू आ रहे हैं। दूसरी आंख से गम के आंसू इसलिए आ रहे हैं क्योंकि फ्री फायर के लिए बैड न्यूज है। फॉर ऑल द फ्री फायर प्लेयर्स, हमें इन्फॉर्मेशन कुछ मिली है जो बता रही है दैट इंडियन फ्री फायर जल्दी वापस नहीं आने वाली है। सो दैट इज व्हाई दुख के आंसू। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, आज हम बात करने वाले हैं टीम एवोल्यूशन के बारे में, जो यहाँ पे एक टूर्नामेंट जीते हुए दिखाई दी है। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं अबाउट टू टीम्स जो यहाँ पे पबजी से एक साल के लिए बैन हो चुकी हैं। बट ऑल ऑफ दिस इन टुडेज एपिसोड ऑफ गुड गेम न्यूज। मैं हूं टकीला, लेट्स बिगिन क्राइंग एंड एक्शन। करने वाले मेरे उन आंसुओं की जो हंसी की वजह से निकल रहे हैं, जो खुशी की वजह से निकल रहे हैं, दैट इज BGMI अनबैन होने वाली है बहुत ही जल्दी। इसके लिए हमारे पास बहुत ठोस सबूत मिल गया है। जी हाँ, कुछ रूमर्स के अकॉर्डिंगली कुछ अकाउंट्स यहाँ पे BGMI के न्यू एप्लीकेशन में ट्रांसफर होते हुए पाए गए हैं। हमने पिछली वीडियो में बताया था दैट जो डेटा सिक्योरिटी का कंसर्न है वो सॉल्व ऑलरेडी हो चुका है, एंड अब यहाँ पे बहुत सारे यूजर्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं दैट उनके जो अकाउंट्स हैं वो नए बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया ऐप में शिफ्ट हो रहे हैं। एंड ये चीज हम आपको वीडियो से प्रूव करना चाहेंगे। और अब वक्त आ गया है मेरे उन आंसुओं को पहुंचने का जो यहाँ पे दुख की वजह से निकल रहे हैं। हमें कुछ ऑफिशियल से पता चला है, कुछ न्यूज हमारे पास आई है दैट इंडिया के गरीना के ऑफिशियल्स को नेपाल भेज दिया गया है, एंड नेपाल उनको इस वजह से भेजा गया है ताकि वो लोग नेपाल के सर्वर के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकें। अब नेपाल के सर्वर के ऊपर ज्यादा फोकस तो जरूर हो रहा है, बट फोकस हट कहां से रहा है? इंडिया के सर्वर से। और अगर इंडिया में गेम वापस आने वाली होती तो नेपाल के ऑफिशियल्स को या आसपास के ऑफिशियल्स को इंडिया भेजा जाना चाहिए था कि आप लोग नए सर्वर जो लॉन्च हो रहे हैं उन पे ध्यान दीजिए, बट यहाँ पे तो उल्टा ही हो रहा है। सो अब इसका मतलब यही है दैट इंडिया के ऊपर से धीरे धीरे गरीना का ध्यान हटता जा रहा है, एंड दिस इज अ वेरी बैड न्यूज फॉर ऑल द फ्री फायर एंथुसियास्ट्स। आज के तीसरे टॉपिक पे बात करना चाहेंगे आज की तीसरी गेम के ऊपर, जो कि होने वाली है ब्रॉल स्टार्स। जी हाँ, इंडियन टीम यानी कि इंडियन स्क्वाड ऑफ स्टॉलवर्ड ईस्पोर्ट्स यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है चैंपियनशिप में आगे क्वालिफाई होने के लिए, वर्ल्ड चैंपियनशिप में यहाँ पे क्वालिफाई होने के लिए, एंड यहाँ पे हम उनको बहुत ज्यादा कंग्रेचुलेट भी करना चाहेंगे। बट यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा दैट स्टॉलवर्ड ईस्पोर्ट्स इज द फर्स्ट एवर ऑर्गेनाइजेशन विद इंडियन प्लेयर्स टू क्वालिफाई फॉर द ब्रॉल स्टार वर्ल्ड्स, जो कि पेरिस में इस साल बाद में होने वाला है। बट अब आपको क्या एक्सपेक्टेशन है स्टॉलवर्ड ईस्पोर्ट्स के ब्रॉल स्टार्स की इंडियन टीम से, आप हमें कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। आज के चौथे टॉपिक में हम बात करने वाले हैं अबाउट द फोर्थ गेम दैट इज पबजी पीसी। बैंगलोर में लेटेस्टली यहां पर पबजी पीसी का लैन इवेंट हुआ था दैट वाज प्रेजेंटेड बाय एसर, एंड चैंपियनशिप का नाम था एसर प्रीडेटर लीग 2022, जिसमें से इंडियन क्वालिफायर्स में से क्वालिफाई होकर टीम हैवॉक जाने वाली है जापान इंडिया को रिप्रेजेंट करने। सो वी डेफिनेटली वुड वांट टू कांग्रेचुलेट देम अ लॉट, एंड साथ ही साथ उनको गुड लक भी बोलना चाहते हैं दो वजहों के लिए। फर्स्ट दैट उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो और वो इंडिया का नाम रोशन करके आए और अपना भी नाम रोशन करके आए। सेकेंड दैट उनको वीजा मिल जाए। हमें हमेशा पता था जब जब इंडियन टीम कोई भी यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने बाहर गई है इंटरनेशनल लीग्स में या चैंपियनशिप में, उनको वीजा ने हमेशा दिक्कत दी है। सो वी डेफिनेटली विल प्रे फॉर यू टीम हैवॉक। बट हाँ, अब जो लैन हुआ था यहाँ पे उसकी बात हम करना चाहेंगे। लैन फाइनल्स में 15 और टीम्स ने यहाँ टीम हैवॉक के साथ पार्टिसिपेट किया था, बट सिर्फ एक जापान जाने वाली थी, एंड इट इज टीम हैवॉक फॉर श्योर। अब यहाँ पे आपको इनकी टीम के बारे में बताना चाहेंगे जहाँ पे खेल रहे थे हेड्स, वेड्स, किलुआ, ओरम और हबीबी, और इनमें से हेड्स एमवीपी हमें बनते हुए दिखाई दिए। सो डेफिनेटली वी रियली विश दैट हेड्स आप अपनी एमवीपी स्ट्रीक को तो कंटिन्यू करो ही करो, बट टीम हैवॉक आप अपनी विनिंग स्ट्रीक को भी कंटिन्यू करो एंड इंडिया का नाम रोशन करके। अब अगले टॉपिक में हम बात करने वाले हैं PMPL SEA चैंपियनशिप 2022 फॉल्स के प्लेन्स के बारे में, जहां पे मेरे को बहुत दुख हो रहा है कहते हुए दैट दो टीम्स को यहां पे परमानेंटली बैन कर दिया गया है एक साल के लिए फ्रॉम PUBG मोबाइल। अब इसका रीजन ये है दैट प्लेन्स में ये दो टीम्स जिनका मैं नाम अभी आपको बताने वाला हूं वो टीम अप करते हुए पाए गए। जो टीम्स हैं उनका नाम है फेनिक्स एंड 18+, और जैसे कि मैंने बताया दैट इन दोनों टीम्स को एक साल के लिए PUBG मोबाइल के हर एक ऑफिशियल टूर्नामेंट से अब बैन लग चुका है। बट दिस इज अ क्वेश्चन
that rises in my mind that आप planes में team up करना चाहोगे ही क्यों, जब आपको पता है that हर एक movement आपकी, हर एक fight आपकी यहाँ monitor होती है. So मैं यहाँ पे जरूर इस चीज के लिए आप लोगों को बोलना चाहूंगा that take an example from this. अगर BGMI वापस आती है और आप लोगों को ऐसा मौका मिलता है तो please, so at least ये मत करना. ये टॉपिक में हम बात करने वाले हैं हमारे Game.TV ग्लोरी कप के रिजल्ट्स के बारे में. एंड हमें बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए दैट टीम एवोल्यूशन यहाँ पे जीतते हुए दिखाई दी इस चैंपियनशिप को 96 पॉइंट्स के साथ, और इनसे सिर्फ 7 पॉइंट्स पीछे हमें दिखाई दे रही है बॉस ऑफिशियल्स की टीम विद अ टोटल ऑफ 89 पॉइंट्स. थर्ड पोजीशन पर आती हुई टीम है टीम लव ईस्पोर्ट्स विद अ टोटल ऑफ 5 less points than Boss Officials, that is 84 points. But बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट था एंड इन तीनों टीम्स की जो टेबल पोजीशंस पर फाइट चल रही थी वो देख के हमें भी बहुत मजा आया. बट डेफिनेटली वो कंग्रेचुलेट ऑल दी पोडियम होल्डर्स एंड जितनी बाकी टीम्स खेल रही थी उनको गुड लक फॉर द नेक्स्ट टूर्नामेंट. अब हम बात करने वाले अबाउट टीम ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स एंड टीम मार्कोस ईस्पोर्ट्स जो COC वर्ल्ड चैंपियनशिप के स्टेज 4 पे पहुंच चुके हैं. अ वेरी गुड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द ईस्पोर्ट्स एंथुसियास्ट्स हु आर सपोर्टिंग ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स एंड मार्कोस ईस्पोर्ट्स एंड इनके खुद की टीम को भी हम काफी बड़ा कांग्रेचुलेट जरूर करते हैं. बट स्टेज 4 कमेंस होने वाला है 10th ऑफ सेप्टेंबर को, जिसमें 8 टीम्स आने वाली हैं अक्रॉस द वर्ल्ड से, और वो लोग कंपीट करने वाले हैं फॉर 4 गोल्डन टिकट्स टू द वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल्स. अब यानी कि 8 टीम्स आने वाली, 8 टीम्स में से 4 टीम्स को ही टिकट मिलने वाली है और आगे वो लोग जाने वाली हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में से. एंड आई रियली विश दैट उन 4 टिकटों में से 2 टिकटें हमारे इंडियन टीम्स की हो, यानी कि ब्लाइंड ईस्पोर्ट्स एंड मार्कोस ईस्पोर्ट्स की हो. सो वी डेफिनेटली विश द बॉयज ऑल द वेरी बेस्ट. आप लोग भी कमेंट्स में इनको बेस्ट ऑफ लक विश कर सकते हैं. एंड कमेंट करने के साथ साथ आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज हम लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं. एंड हम अपनी यही वीडियोस मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे को आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे विद मोर कंटेंट एंड विद मोर न्यूज फ्रॉम द इंडियन गेमिंग कम्युनिटी. बट फिलहाल के लिए मेक श्योर दैट यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइमली मिल जाएं. दिस इज टेकिला साइनिंग ऑफ फॉर दिस एपिसोड. सीइंग यू इन द नेक्स्ट वन.